सब्सक्राइब करें परवीन भारद्वाज चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने घर का सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं। उसके लिए फॉलो करने हमें कुछ सिंपल से टिप्स को और हमारा फ़ोन बन जाएगा हमारे घर का सीसीटीवी कैमरा और हम देख पाएंगे लाइव फुटेज दुनिया के किसी भी कोने से अपने फ़ोन पे लाइव, और उस फुटेज को हम स्टोर भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो कौन सी वो टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है, क्या कुछ करना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है परवीन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ओपन करना है प्ले स्टोर को, देन हमें जाना है सर्च में, और सर्च में हमें डालना है आईपी वेबकैम। तो इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का लोगो होगा। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारी डाउनलोडिंग हो चुकी है, अब हमें इसे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें जाना है लास्ट ऑप्शन पे, स्टार्ट सर्वर पे। स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो कोड डाउनलोड होगा, उसके बाद एक आईपी एड्रेस जनरेट होगा। ये हमारा वीडियो कोड डाउनलोड हो चुका है, अब हमारा आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। अब हमें दोबारा जाना है स्टार्ट सर्वर पे। अब ये हमसे परमिशन मांगेगा कैमरा ओपन करने की। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे हमारा आईपी एड्रेस शो हो रहा है। ये आईपी एड्रेस आपके फ़ोन का कुछ और होगा, क्योंकि ये यूनिक एड्रेस होता है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो ये आईपी एड्रेस आपके फ़ोन का कुछ और होगा। तो इसी आईपी एड्रेस को आपको डालना है जहाँ पे आपको फुटेज को देखना है। तो इस आईपी एड्रेस को आप नोट कर लीजिएगा। तो हमें कुछ इस तरह की फुटेज मिलेगी। आप देख सकते हो फुटेज क्लियर है बिल्कुल। और दोस्तों, आप इसमें ऑडियो भी सुन सकते हो, क्योंकि आपने जो फ़ोन प्लेस किया हुआ है उसमें माइक है, और उसी माइक के थ्रू आपको ऑडियो मिलेगी। तो कुछ इस तरह की आपको इससे फुटेज मिलेगी। दोस्तों, आपको इसको ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे पानी ना जाता हो, क्योंकि अगर पानी गया तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। प्लस वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कैमरा ओपन होता है तो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो इसे कंटिन्यूस चार्जिंग चाहिए होगी। तो अब हम देखते हैं इसकी फुटेज को। यहाँ पे ब्राउज़र में हमें डालना है वही आईपी एड्रेस जो हमारा जनरेट होता है। तो मेरे फ़ोन का ये जनरेट हुआ था, आपके फ़ोन का कुछ और होगा। तो ये आईपी एड्रेस मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों, ये आईपी एड्रेस जो जनरेट होगा वो नंबर्स में होगा, वर्ड्स में नहीं होगा, और हमारी फ़ोन की डिस्प्ले पे सबसे ऊपर शो होगा। तो इस आईपी एड्रेस को हमें नोट कर लेना कहीं, ताकि हम कहीं भी इस फुटेज को देख सकें। तो मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमको, कि हमें इसे कैसे प्ले करना है, जावा में प्ले करना है, जावा स्क्रिप्ट में प्ले करना है। यहाँ पे हमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल रहा है, ऑडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है, और नीचे अगर जाएं हम तो यहाँ पे हमें वीडियो स्टोरेज का, फोकस का, फोटो स्टोरेज का ये ऑप्शन भी मिलते हैं।
तो फुटेज हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। मैं इस एप्लीकेशन का काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। ये एप्लीकेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे को वीडियो फुटेज भी अच्छी मिल जाती है, प्लस मेरे को ऑडियो भी मिल जाती है। आप देख पा रहे हो मैं कुछ इस तरह फुटेज बना रहा हूँ। एक फ़ोन तो वो है जिससे मैं फुटेज बना रहा हूँ, और दूसरा फ़ोन वो है जिसमें मैं फुटेज को देख रहा हूँ। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम फुटेज बना रहे हैं वो फ़ोन महंगा हो। कोई भी फ़ोन हो, उसका कैमरा ठीक होना चाहिए और वो एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी फुटेज काफ़ी अच्छी है। तो देखा दोस्तों कैसे हम अपने मोबाइल को एक सीसीटीवी कैमरा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।